नमस्कार, दोपहर की नंबर वन डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मैं हिमांशु दीक्षित। क्या ये मौलाना जो है तौकीर रजा अपने सियासी दुकान चलाने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं, या फिर यूं कहें कि डरा रहे हैं? क्या मौलाना मुसलमान लड़कियों के मजहब बदलने की साजिश का आरोप आरएसएस पर लगाकर नफरत फैलाना चाहते हैं? दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने अपने संगठन के ऑफिशियल पेज पर अपने बयान का एक वीडियो डाला, जिसमें तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं मुसलमान नौजवानों को नशे का आदि बनाया जा रहा है। पूरी साजिश के तहत मुस्लिम बस्तियों में नशा फैलाया जा रहा है और इसके पीछे आरएसएस का हाथ है और हुकूमत की साजिश है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से नफरती बयान दिया है। इस बार मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर निशाना साधा। तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बड़ी साजिश के जरिए मजहब बदलवाने की मुहिम चलाई जा रही है। तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं कि इस साजिश में आरएसएस का पूरा हाथ है। साजिश खुली हुई है और असल मसला यह है कि एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ है और ऐसे लड़कों को बाकायदा फाइनेंस किया जा रहा है। तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए मुस्लिम युवकों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें नशे का आदि बनाया जा रहा है। मुसलमान लड़कों को नशे का आदि बनाकर ये साजिश रची जा रही है। आज मैं देखता हूं कि हमारे नौजवानों में गैरत नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों को जलील करने के लिए इसकी तशहीर की जाती है। असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। ये मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं। मौलाना तौकीर रजा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की ओर से ये पूरी साजिश रची जा रही है। तौकीर रजा एड्स और एचआईवी का जिक्र करते आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी ऐसी साजिश रची गई है। नशे के खिलाफ आप पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। यहां मैं एक पुराना वाकया याद दिलाता हूं आपको कि एक जमाने में एड्स चला था, एचआईवी, और वो बहुत फैला था। महाराष्ट्र का बंबई वगैरह ज्यादा उससे मुतासिर हुआ था, तो वो एड्स फैला नहीं था बल्कि फैलाया गया था। ऐसी एचआईवी ज्यादा लड़कियां मुस्लिम बस्तियों के आसपास छोड़ी गई पेड, जिनके जरिए वो एड्स फैला, लेकिन उसको कंट्रोल तब करना पड़ा इन लोगों को, वरना वो पूरे देश में फैल जाता। उसको कंट्रोल तब करना पड़ा जब वो मुसलमानों के साथ वो गैर मुस्लिमों में भी फैलना शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए तौकीर रजा ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? सवाल यह भी कि नशे की बात और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की बात कहकर क्या मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को डरा रहे हैं या उन्हें भड़का रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं ये आपने सुन लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रवक्ता हैं विजय शंकर तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारे साथ नाज़िर लाइकन राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। असगर खान साहब अधिवक्ता हमारे साथ में। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं और दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाज़िया, ये जो बयान दिया गया और इस बयान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों के मजहब बदलने की साजिश हो रही है,
कुछ लड़कों को खासतौर पर फंड आरएसएस की तरफ से किया जाता है, हुकूमत साजिश रच रही है, मुस्लिम बस्तियों में नशा फैलाया जा रहा है, यहां तक कि यह भी बोल दिया कि जिन लड़कियों को एचआईवी संक्रमित था उनको मुस्लिम बस्तियों में पहुंचाया गया ताकि ये फैल सके। ये किस तरह की बयानबाजी है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। अंशु जी, आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बात आज से नहीं, बरसों से लोग जानते हैं और हमेशा आरएसएस की जहां जहां पर जरूरत होती है, चाहे सैलाब आए, चाहे कहीं पर भी सोशल वर्क करने की जरूरत हो, वो वहां पर काम करता है। अब एचआईवी की बात उन्होंने कही है तो ये हम सबको पता है कि हमारे भारत में एक भारी परसेंटेज मुस्लिम मेल पॉपुलेशन है जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहता ही है। अब उनको कहीं पर प्रोस्टिट्यूट के पास जाके छोड़ तो नहीं दिया जाता है, वो खुद ही चले जाते हैं। अब आती है बात के दो ओएमसी जूनियर डॉक्टर पकड़े गए थे गांजा खरीदने के लिए हैदराबाद में। हैदराबाद में पश्चिम बंगाल के एसएसकेएम हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स मुस्लिम पकड़े गए थे गांजा पीते हुए, तो इनको क्या मुंह में डाल दिया जा रहा है? जावेद अहमद खान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 नंबर ब्रिज के नीचे मुसलमान बेचते हैं और मुसलमान खरीदते हैं। अब जैसे पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का विरोधी रहा है, वैसे ही हमेशा मुसलमान मर्द खास करके आरएसएस के और बीजेपी के विरोधी रहे हैं। तो क्या पैसे के लालच में इतने नीचे गिर गए हैं कि अब गांजा और कोकीन और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी स्टार्ट कर दिया है मुसलमान लड़कों ने? अब आती है कि मुस्लिम बेटियों का धर्मांतरण। हाँ। भाई मुसलमान हिंदू बेटियों को कन्वर्शन करवाने का सिलसिला तो मुसलमान लौंडों ने स्टार्ट किया था लव जिहाद के नाम पर, प्रेम में फंसा करके, मोहब्बत में फंसा करके। और अभी 4 दिन पहले फरहाद हकीम ने कन्वर्शन को कितनी मान्यता दी है और अपने स्पीच में कहा है कि अगर एक पूरे जीवन में एक भी मुसलमान एक हिंदू को कन्वर्ट करा दे तो वो बहुत भाग्यशाली मुसलमान हो जाएगा, उसके लिए जन्नत होगी और जन्नत में 72 वर्षीय पूरे होंगी। तो मुसलमान अपने अपने क्राइम का जो बोझ है वो दूसरे पर ना डाले। ठीक है अजहरी साहब, तौकीर अदा जो कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब नशे में धकेला जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है आरएसएस और हुकूमत सरकार की तरफ से? कोई इसमें दोहराया नहीं, सच बात है। अच्छा, साजिशें जिनका जिनका अस्तित्व ही मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने की वजह से हो, जिनका वजूद ही मुसलमानों को मिटाने के लिए हो, तो वो लोग कुछ ऐसा अगर कर दें तो गलत क्या हुआ? वो तो ऐसा कर ही रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो उनके गार्जियंस हैं, जो नशा कर रहे हैं, वो भी उनको भी अंधा बन के नहीं बैठना चाहिए। मैं मौलाना फखर रजा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि उनको अपनी अपनी कौम को भी नसीहत करनी चाहिए साथ में कि आपके यहाँ आपके जो लोग जो 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 लोग ये कर रहे हैं नशा कर रहे हैं, नशे में लिप्त है, तो उनके जो गार्जियन तो बालिग है, नाबालिग तो नहीं होंगे ना, तो उन्हें भी इस पर रोक लगानी चाहिए। हम लोग नशे के ताल्लुक से शिकायतें करते हैं, हम लोगों ने नशे की कई रैलियां निकाली हैं, कई हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं और प्रशासन को बता दो कहाँ है, गुजारिशें की है, यहाँ तक के हम लोगों ने बहुत सारी चेतावनियां भी दी है, लेकिन साहब कभी भी प्रशासन ने इस पर अपनी तरफ से वो कोई कदम नहीं उठाया। ये हमने बहुत सारे शहरों में बहुत सारे इलाकों में देखा है। नहीं नहीं, तो तौकीर रजा अगर ये बोल रहे हैं, अजहरी साहब, तौकीर रजा अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलने की साजिश आरएसएस रच रहा है, फंड दिया जा रहा है खास तौर पर ऐसे लड़कों को, ट्रेंड किया जा रहा है और सरकार इनकी मदद कर रही है, तो उनको सबूत पेश करने चाहिए ना, मानेंगे इस बात? मौलाना तौकीर रजा साहब बरेली में ही रहते हैं, बरेली में ही एक साधु बाबा है, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कई बार कहा है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि हम 2025 तक 150 मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान कर देंगे, और उन्होंने कहा अब तक हम बांधक कर चुके हैं, लेकिन आप वो दिखाएंगे नहीं। हमने आपके संवाददाता के पास उसकी कई बार वीडियो भी भेजी है। अच्छा, लेकिन साहब यहाँ कोई मौलाना होता, देखिए ये गंभीर आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं, आज मैं सिर्फ इस पर जवाब और सवाल उठाऊंगा, उस पर आप अपनी बात रखिए। तिवारी जी हमारे साथ में, विजय शंकर तिवारी जी, आपने देख लिया आरोप कितने गंभीर हैं आरएसएस पर और सरकार पर, मतलब सरकार को बाकी कोई काम ही नहीं बचा है, सरकार को यही काम बचा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशा कैसे फैलाया जाए, मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनका मजहब ट्रांसफर कैसे किया जाए, और इसके लिए लड़कों को फंड किया जा रहा है, मतलब ये सरकार का काम है, ये तौकीर ऐसा कह रहे हैं और अजहरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। तिवारी जी आपका रिएक्शन?
देखो जो चर्चा हुई, जो तौकीर रजा बोल रहे हैं, तौकीर रजा कितने गंभीर हैं ये समझने का विषय है। ये कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि तौकीर रजा कभी कभी दो दो चार चार छः महीने में कुछ न कुछ फालतू बातें बोलते रहते हैं और सारा देश जानता है। संघ के विषय में बोल रहे हैं, परिषद के विषय में बोल रहे हैं, तो इसके विषय में पूरा समाज जानता है। लौ जिहाद का विषय सारा देश जानता है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और केरल तक हजारों नहीं लाखों हिंदू लड़कियों को लौ जिहाद का शिकार बनाया गया है। इसके मुकदमे जब से ये कानून बन गया कुछ प्रदेशों में, तब से ऐसे लौ जिहाद के करने वाले ऐसे लोग जेलों में भी बंद हैं। तो कौन ये लड़कियों को बहला रहा है, फुसला रहा है, ये सब कानूनन भी लोगों के समझ में आ रहा है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि मुस्लिम समाज में बहुत सारी अधिकांश बहनें जो लड़कियां इनके यहाँ हलाला और तीन तलाक जैसी ऐसी कुप्रथाओं का शिकार होने वाली, जो उनको लगता है बचना चाहिए, वो स्वयं हिंदू बनना चाहती हैं। अच्छा। इतनी बड़ी संख्या इनके यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन हम लोगों का एक अपना स्वाभिमान है, हम लोग जानते हैं कि जो बहनें आती हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रयास इसके लिए कोई करे इसकी आवश्यकता भी नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। और जहां तक नशे की बात है, तो नशा बनाने वाले, ये जो नशा है बनाने वाले मुस्लिम देश, वहां से भेजने वाले मुस्लिम देश, खरीदने वाले मुस्लिम, बेचने वाले मुस्लिम, प्रयोग करने वाले मुस्लिम, यहाँ संघ कहाँ से आ गया, विश्व हिंदू परिषद कहाँ से आ गया? यानी आप रिसर्च करा लीजिए तो नशा करने के आदि लोग कौन है, बेचने वाले कौन है, यही बेचने वाले तो एक प्रकार से। अच्छा बताइए क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए जरी साहब। सरकार क्या कर, आप बता रहे थे मुस्लिम देश नशा नशा भेज रहे हैं देश में, जैसे जैसे हमारे हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। आपने आपको आपको आप सुनिए ना, आपको ये पता है अजहरी साहब, आपको ये पता है कि पाकिस्तान ये पंजाब की जितनी भी सीमा लदी है वहां से ड्रोन के जरिए कितना अवैध तरीके से नशे का सामान यहाँ पर लाया जाता है, जिसको मार गिराया जाता है। देश की सुरक्षा पे मुझे उठा रहे हैं। अरे हम आप सुनते ही नहीं है, सुनिए, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं और वही सुनते हैं। मैंने क्या कहा हमारे जवानों ने बॉर्डर पर कितने ड्रोन मार गिराए हैं, जहां से नशा लाया जाता था उसको बरामद किया है। आप सुन ही नहीं रहे क्या कह रहा हूँ, किस रास्तों से लाने की कोशिश करते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं दूसरे देश वाले, लेकिन हम लोग पकड़ते हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं सुनिए, मेरा नाम तौकीर रजा है, अजहरी थोड़ी ना जो मैं पॉइंट बदल दूं, अपनी बात बदल दूं, मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ। आपको कोई आपत्ति थी इनकी बात पर तो बोलिए, तिवारी जी की बात पर कोई आपत्ति थी? तिवारी जी ने अभी कहा मौलाना तौकीर रजा फालतू बातें इनकी हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो मोहन भागवत बोलते हैं वो सही बातें बोलते हैं, उन्होंने तो कभी मुसलमानों को लेकर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जैसा कि यहाँ पर तौकीर रजा खुलेआम आरएसएस को लेकर लगा रहे हैं। और सबूत लाइए ना, सबूत लाइए, सबूत तो देते नहीं है। जब पुलिस ढूंढती है तो तौकीर रजा गायब हो जाते हैं। एक मिनट, दानिश कुरैशी जी, क्या आपको भी लगता है तौकीर रजा की बातों में सच्चाई है? मतलब मुस्लिम लड़कियों के मजहब बदलने के लिए बाकायदा एक कोशिश की जा रही है आरएसएस की तरफ से, लड़कों को फंड किया जा रहा है, सरकार ये करवा रही है, ओवरऑल सुना आपने? देखिए मैं दो चीजें की बात कहता हूं कि सबसे पहले तो तौकीर रजा साहब के मामले को लेकर जो तिवारी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, यही जवाब मैं मोहन भागवत के लिए भी कह सकता हूं कि वो भी कुछ भी उल जलूल बोलते रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगे। लेकिन मैं फिर भी मुद्दे की बात करूंगा कि तौकीर रजा साहब ने जो कहने का उनका अर्थ और मतलब जो निकल के आता है, जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि छे के मामले को लेकर सख्त से सख्त कानून होने चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट तक की जगहें होनी चाहिए। नया जो इन्होंने प्रोविजन बनाया है कानून के लिए, उसमें मुझे लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट, और अगर कहीं कोई प्रशासनिक व्यक्ति इसमें पाया जाता है तो उस पर तो ज्यादा संगीन धाराएं होनी चाहिए, क्योंकि जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, वो तो समझ में आता है कि जो बेच रहा है खरीद रहा है, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर दूसरे सारे मामले में चलिए, करप्शन के चार्जेस, ये सारी चीजें तो देश में अपनी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन जो
देश के नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है, उनके खिलाफ अगर बात करना तौकीर रजा की बात गलत है तो फिर मुझे बताइए फिर क्या सही है, बताइए देश के नौजवानों की बात करना क्या गलत बात है। एक मिनट पंजाब में भी हमने देखा कई जगह पर कि पंजाब में खुलेआम वहां पर नशा होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात की जाएगी, युवाओं की बात की जाएगी ना, लेकिन जब आप कहते हैं कि सुनिए ना, लेकिन जब आप कहते हैं कि हुकूमत मुसलमान मोहल्लों में नशा फैला रही है और यह कहा जाता है कि एड्स मुस्लिम बस्तियों में फैलाया गया, जब यह कहा जाता है कि मुस्लिम नौजवानों, आप नौजवानों की बात करिए ना, आप यहां पर क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स, आप मुसलमान घुसेड़ रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलने की कोशिश की जा रही है, साजिश और आरएसएस रच रही है और पैसे फंडिंग भी की जाती है, सरकार करवा रही है, ये क्या है? मैं जवाब तो हिमांशु देखिए आरएसएस के ऊपर सीधा ही जो आरोप जाता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस देश में बाबरी मस्जिद ढहाने का जो आंदोलन था उसकी भगिनी संस्थाएं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी, ये कब निकलेगा आपके मन से? आप देख लीजिए देश में महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें भी जो हत्या रहे, नहीं आपके आपके मन से ये कब निकलेगा ये बाबरी, क्या आप बोल लीजिए या मैं बोल लू, नहीं कब निकलेगा? जन्म लिया ना यहाँ हमारा बाबर, यहाँ का है ही नहीं, आपने कहा कि नौजवानों को लेकर, आपने कहा नौजवानों को लेकर अगर ये नशे की बात अगर उठा रहे तौकीर रजा तो गलत उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम बात कर रहे हैं वो, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम बात कर रहे हैं वो, नौजवानों की बात करी उन्होंने, ये गलत है कि नहीं है? तो जवाब मैं सुनिए, मैं आपको जवाब दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उनके एतराफ में बरेली में या हिंदुस्तान के तमाम कोने में आप दिखाइए ना कि तमाम लोग जो परेशान है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो आपको नजर यही आएगा ना, आपको नजर यही आएगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की बस्तियों के अंदर में घुसेड़ा जा रहा है, तो जब वो बोलेंगे तो आपको फिर ये लगेगा कि ये मुसलमानों की बात, आप खुलकर बोलिए और यहाँ पर अगर सवाल भी पूछे तो आपको आपत्ति हो जाती है। सौरभ जी सुनिए, सौरभ जी तो ये कह रहा हूँ, बाकी भी असगर साहब के पास आऊंगा इसके बाद। राष्ट्रीय बात कम्प्लीट कर ली, हाँ बोलिए बोलिए नाजिया क्या कह रही हैं आप? हाँ बोलिए, मुसलमान बच्चों को मदरसों में पढ़ाने का जिद पकड़ के रखा हुआ है मुस्लिम क्लेरिक और मुस्लिम प्रेशर ने और MIM ने, जो कासिम रिजवी की और रजाकार की पार्टी है, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेंगे नहीं, गांजा पिएंगे कोकेन पिएंगे और गांजा का व्यापार भी करेंगे, और आप इल्जाम लगाएंगे, जवाब दूंगा हिमांशु, नहीं लगाएंगे, क्या प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है आपके पास सरकार के ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, बोल दीजिए बता दीजिए। ठीक है नाजिया, आपने सवाल नाजिया सवाल पूछा जवाब ले लीजिए, है ना उनको नाजिया सीधा पूछा आपने सीधा जवाब लीजिए। जी जी मैं जवाब दूं, हमारी बहन जो है ना, अगर इससे मैं पूछ लूंगा कि आपके वालिद उनके उनके बाद छोड़िए उनके दादा और उनके दादा दुनिया के कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो शायद उनके पास जानकारी भी नहीं होगी कि वो इसी मदरसों से, इसी भारत में मदरसों से आबाद होके और दुनिया में अपना नाम कमाया है, आपके पास जानकारी नहीं है नाजिया? सुनिए, अरे देखिए इंटरप्ट मत करिए नाजिया, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इतनी बार आप आती है डिबेट में और उसके बावजूद भी आप डेकोरम मेंटेन नहीं कर रही, ठीक नहीं है नाजिया। देखिए ऐसे आप इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा ना, आप मेरे बाप दादा पर क्यों आए, आपका अब्बा होगा तो दिन, अरे मैं अपने बाप दादा की बात कर रहा हूँ, अपने बाप दादा की बात करो, अपने बाप दादा की बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं अलग अपने बाप दादा की बात कर रहा हूँ, नाम क्यों लिया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा मजहब, अरे तो मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ ना कि आपके पूर्वजों ने कौन सी, ओके चलिए मुद्दे पर वापस लौटते हैं, सौरभ जी सौरभ जी सौरभ जी सौरभ जी मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, सौरभ जी रजा जी ने जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम संघ का नाम लिया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं जो बताते हैं, वो खुद जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, आप उसकी प्रार्थना उठा के देख लीजिए। नमस्ते देखिए दानिश भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप पढ़े लिखे आदमी है, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए, आप मेरे बात बोल लीजिएगा, पढ़े लिखे आदमी है, आपसे अपेक्षा करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतत्वे शकायो, नमस्ते नमस्ते, इसमें बता दीजिए इसमें मातृभूमि की बात हो रही है, देश वंदना की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, संगठन बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, ये सब ये बात
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करता है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो संघ के स्वयं सेवक थे, उनकी कविता थी कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू का मेरा परिचय। तो संघ का काम राष्ट्र निर्माण का काम है, संघ का काम व्यक्ति निर्माण का काम है, संघ का काम समाज निर्माण का काम है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप इस तरह से युवाओं को गलत बयानबाजी करेंगे तो यह साफ साफ पता चलता है कि तौकीर रजा क्या चाहते हैं। तौकीर रजा चाहते हैं जो देश के यंग मुसलमान है, जो युवा मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं फिर से हिंदू मुसलमान की आड़ में जो है वो दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बरेली और जिधर से क्षेत्र से आते हैं वहां पर लगभग लगभग यही कार्य होता है। अब दूसरी चीज आ जाइए, जब आप क्राइम रिपोर्ट निकालते हैं, क्राइम रिपोर्ट के अंदर लगभग 90% जो है वो मुस्लिम युवकों का नाम आता है कि नहीं आता है, आप देख लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुस्लिम है, मैं ये कहूंगा कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 90% आने के बाद भी मैं कहूंगा आप उनको मुसलमान से बचाओ। और जिस प्रकार से सुनिए, जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं था तब भी दाऊद इब्राहिम जो है वो मुंबई का बिजनेस होता है, सारी चीजें वो मुंबई के जो है वहां पर किया जाता था, तब वहां पर तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं था। इस सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तालिबान हो गया, वहां पर जो क्रिमिनल करने वाले लोग हैं तो मुसलमान ही है ना भैया, वहां पर तो हिंदू और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब देश तरक्की और विकास के रास्ते पर जा रहा है तब मौलाना इस तरह के बयान देते हैं, और आपके जैसे मौलाना टीवी पर बैठ करके इसका समर्थन करते हैं। दानिश भाई मौलाना थोड़ी जाए, दानिश भाई मौलाना दानिश नहीं, दूसरे भाई साहब जो बैठे स्कॉलर बन करके, उनका काम है समाज को दशा दिशा दिखाना। ठीक है, और दानिश भाई सुनिए, दानिश भाई की पार्टी का नाम ही मुसलमान से है, तो मुसलमान को संरक्षण देने की ही बात करेंगे, उनके गलत कार्यों को उनको स्कॉलर दीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सही शिक्षा दीजिए। सौरभ, सौरभ समाज का निर्माण किया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, बताएंगे आपके एक बयान बताइए जो उन्होंने आपके खिलाफ बोला मुसलमान के मुसलमानों का देश से बाहर निकाल दीजिए, मुसलमान इस देश में रहने लायक नहीं है, तो मुझे बताइए मैं जनता की चोट में जा रहा हूँ केवार जी से लेकर के मोहन भागवत जी तक का, अगर संचालक का कार्यकाल उसमें कोई अक्षर संचालक ने बोला कि मुसलमान जो है वो इस देश में रहने लायक नहीं है। अरे अजहरी साहब, ये इस तरह के बयान तो अजहरी साहब देते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का काम नहीं है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का काम नहीं है मौलाना, ये आप जैसे मौलाना का काम है कि जो आपके युवा मुसलमान है उनको भटकाना, आप लोग अपने युवा मुसलमान को भटकाते हैं। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए ना असगर, असगर खान साहब, असगर खान साहब से मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है, एक मिनट असगर खान साहब से मेरी अभी तक बात नहीं हो पाई है, देरी से आया हूं उसके लिए माफी चाहूंगा असगर खान साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी बात रखें कि आखिर क्यों तौकीर रजा इस तरह की बात करते हैं, कभी वो सरकार को धमकी देते हैं, कभी तिरंगे यात्रा पर विवादित बयान देते हैं, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करते हैं, पुलिस भी पीछे पड़ती है तो भाग जाते हैं, सामने नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर से एक विवादित बयान, ये क्यों? वो तो घर में बैठे हैं अपने। देखिए इससे पहले क्यों भाग रहे थे, रुकिए मैं असगर साहब से बात कर लूं, इसलिए कि हाँ सुनिए वो जी 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 तो वो हिमांशु भाई वो उनकी अपनी सोच है और अपने उनके विचार हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन अभी जैसे हमारा यहाँ डिस्कशन हो रहा है तो जैसे दुबे भाई ने अभी कहा कि 90% मुसलमान क्राइम से जुड़े हैं, ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा वो मुल्क है जिसको जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मैं उसके लिए सरकार को और ऐसे लोगों को और छोटी सोच रखने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ जो मुसलमानों को फासली इम्प्लीकेट करते हैं। अगर आप, मैं चूंकि खुद वकील हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, आप किसी क्राइम की बात लीजिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम टेररिज्म है। अच्छा, टेररिज्म में मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए रेट ऑफ कन्विक्शन कितनी है, इतने शर्म की बात है कि रेट ऑफ कन्विक्शन 4-6-8% है। आप कितने लोगों की जिंदगी, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, आप कितने लोगों की जिंदगी, सुनिए नहीं सुनिए, आप कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कौन देगा हिसाब,
अरे हिसाब कौन देगा भाई, तुमने एक आदमी के पीछे पचास आदमी खड़े होते नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा देखिए सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी रुकिए, अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ असगर भाई, असगर भाई आप ही के पास आ रहा हूँ। सौरभ भाई एक मिनट थोड़ी देर रुकिए, और मैं चाहता हूँ कि नाजिया को भी ले आइए क्योंकि वो भी अधिवक्ता है, तो थोड़ी बात अच्छे से हो जाएगी। और बताइए यहाँ असगर भाई, बात कंप्लीट कीजिए आप जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस बात पे आपने इतराज किया सौरभ भाई ने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये गौर करने वाली चीज है, अगर 4-8% कन्विक्शन होती है तो 90% से ज्यादा लोगों की फैमिलीज का क्या हुआ होगा, एक आदमी के पीछे कम से कम 50 आदमी लाइन लगा के भाई, ये जो टॉपिक है हम उससे थोड़ा सा आप थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं, गौर करने आप थोड़ा सा अलग ले, आप थोड़ा सा अलग ले जा रहे हैं। अगर मैं नहीं स्कॉलर का काम है, अभी नशे की बात, अभी नशे की बात, अच्छा मैं वही आ रहा हूँ, हिमांशु भाई वही आ गया, मैं अगर आप नशे की बात, सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज प्लीज प्लीज, नशे के चक्कर ये प्लीज प्लीज, सौरभ साहब ये चाहते हैं, सौरभ साहब ये चाहते हैं कि सही बात लोगों तक नहीं पहुंचे। अच्छा नहीं, मैं चाहता हूँ सही बात पहुंचे, मुझे सही बात बताइएगा, सही बात बताइएगा असगर भाई, मेरे को एक बात बताइए, सुनिए ना, मुस्लिम लड़कियों के मजहब बदलने की साजिश रची जा रही है, आरएसएस साजिश रच रही है, और पैसे फंड दिए जा रहे हैं, सरकार मदद कर रही है, सरकार इतनी फालतू है क्या, ये बताइए, बिल्कुल है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, आप सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं कह रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का भी अगर जुग्राफिया देखें और उसके टोटल करके देखें और पूरी दुनिया का अगर देखें, तो सबसे ज्यादा मजहब में जाने वाले लोग, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सबसे ज्यादा मजहब में जाने वाले लोग वो हैं जो दूसरे मजहब से आते हैं और इस्लाम में शामिल होते हैं। मेरा मानना यह है, और हिंदुस्तान की भी तारीख यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों शामिल सबसे ज्यादा अब एक पॉइंट सुनिए, नहीं सौरभ जी प्लीज, अब नाजिया मेरे को एक बात बताइए, सुन लीजिए, असगर खान साहब अधिवक्ता, नहीं चलिए कम से कम एक बात तो आपने, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, आप खुद कह रहे हैं मैं एडवोकेट हूँ, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट की है, अगर किसी को ये लगता है तौकीर रजा साहब ने की है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का एक पॉइंट है, नाजिया हमारी बहन है, अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी बयान, आप कुछ भी बयान दे देते हैं भाई, सुनिए सुनिए, आप कुछ नहीं, तौकीर रजा की खासियत यही है कि वो कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन जब कोर्ट बुलाता है तो कोर्ट के सामने नहीं आते, वकील है भाई, करे कार्रवाई। अब नाजिया मेरे को ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है ना, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है मुसलमानों को, कई मामलों में फंसा दिया जाता है, ये नशे के मामले में भी अगर उनका नाम आता है तो ये उनको जानबूझकर फंसाया जाता है, इस पर रोशनी डालिए। जी हिमांशु जी, खान साहब अधिवक्ता है, एडवोकेट है, और मेरे से काफी सीनियर है, तो उनको पता ही होगा मोहम्मद मुस्लिम अलायंस हुसैन वर्सेज स्टेट दिल्ली की एक बहुत बड़ी एनडीपीएस के का केस था, जो 28/9/2015 में फाइल हुआ था, और चार मुसलमान एक्यूज जो है वो डिटेन हुए थे, अरेस्ट हुए थे, जिसका जजमेंट 28 मार्च 2023 को आया, और पता चला कि हाँ ये व्यापार करते थे और मासूम बच्चों को टारगेट करते थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही है, ये मैं कहीं और बाहर का नहीं बता रही हूँ। अब आती है कि हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम, हमारे यहाँ तो दावत इस्लाम है, दाई है, मैं कोर्ट के आर्डर पे, मैं कोर्ट के आर्डर, मैं कोर्ट के आर्डर पे कोई निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट के आर्डर पे कोई निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द केस। अच्छा ये नाजिया ये उन्हीं में से एक केस है जो 4% और 6% है। अच्छा अच्छा, आप देखिए अजहरी साहब हम इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए किसी को यहां पर बिठाते हैं? मुझे ये बताइए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का एक रेफरेंस दिया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया, क्या कोर्ट भी जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ है? बताइए मेरे को, बताइए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ है क्या?
आप एक मिनट सुनिए संविधान पहले की नहीं है, इस्लाम है, कठपुतलियों वाला इस्लाम है, ये इस्लाम हो नहीं है, ये कठपुतलियों का इस्लाम है, इस तरह के बयान देना ये कठपुतलियों का इस्लाम है। इस्लाम से मत जोड़िए, इस्लाम से मत जोड़िए, इस्लाम में इसका खुला काबित है जो इस देश के लिए शहीद हो गए। नहीं नहीं नहीं, इस देश में अल्लाह का मुसलमान है जो इस देश के लोग मानते हैं। अच्छा दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, अरे रुकिए, इस्लाम से मत जोड़िए, कठपुतलियों का इस्लाम है। नहीं नहीं नहीं, म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, अगर इसी तरह से बात करनी है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अजहरी साहब समझिए, यहां पर कोई अपनी बात रखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको यहां पर सिर्फ एक तरफा बात करने के लिए, उन्होंने कोर्ट का रेफरेंस दिया। अब आपको अगर कोर्ट से भी आपत्ति है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो वहां पर जज बैठे हैं, वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं क्या? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अब एक बात बताइए, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है कि आप सोचिए कितना गंभीर मसला है। अरे रुकिए अजहरी साहब, मैंने आपको बहुत टाइम, अब तिवारी जी इस बात को सोचिए कि कितना गंभीर ये मसला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ये कर रहा है कि मुस्लिम बच्चियों का मजहब परिवर्तन कराने के लिए लड़कों को फंड दे रहा है और सरकार पूरा हुकूमत का पूरा साथ दे रही है आरएसएस का। सोचिए कितना गंभीर मुद्दा ये उठाया जा रहा है। अब ये बताइए कि इस मामले में बिना सबूत के अगर आरोप लगाते हैं तो क्या होना चाहिए? अरे भाई आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, डरते क्यों हैं आप? मुझे ये बताइए क्या क्या वकील वकील तौकीर रजा के पास नहीं है? अगर आप भी वकील हैं आप लगाइए ना ये मामला, पीआईएल लगाइए, जाइए। अरे तो आप पीआईएल लगाइए, अगर उन्होंने कंप्लेंट की है। अरे कहाँ करी है, कहाँ करी है, कहाँ करी है, कहाँ करी है? आपने एक एग्जाम्पल दिया, आप मौलाना से पूछ रहे, अजहरी साहब से पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे, आप मुझसे मांग लिया। हिमांशु, हिमांशु, आप अजहरी साहब से, तिवारी जी, तिवारी जी पहले एक मिनट, मुझे पहले बात करने दीजिए। मैंने आपको आपको दिया किससे जुड़ी होगी, उन्होंने उसे जवाब दे दीजिए, नाजिया जिस केस से जुड़ी होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनको साइलेंट करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, मैं बैठाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मिनट रुकिए, इनको साइलेंट करिए तब मैं बोलूंगा, साइलेंट करिए एक मिनट। दानिश कुरैशी जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूँ तिवारी जी के पास। सब लोग साइलेंट होकर अपनी बात रखें। देखिए मेरा ये बात ये है कि वीएचपी के प्रवक्ता ऑलरेडी बैठे हैं, अपनी बात वो रखेंगे या संघ की बात वो रखेंगे, आप उसमें पार्टी क्यों बन रहे हैं? अगर असगर खान साहब ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने केस किया है और उनको करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक अधिवक्ता है, ये भी पीआईएल कर सकते हैं, वो भी केस करिए ना, उनके पास भी तो वकील है, लेकिन वो नहीं करते, वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर आ गया, बयान देते हैं। वीएचपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, मेरी बात तो सुनिए, पार्टी मत बनिए आप, मेरे आप सुनते हो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ और सीधा सवाल पूछता हूँ तो अधिकारी साहब को भी दर्द हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप पार्टी ना बने। नहीं नहीं, आपको अगर आपको लगता है मैं पार्टी बन रहा हूँ तो मैं आपकी सोच का नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, ओके। अच्छा एक मिनट, हाँ तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी बोलिए। असगर साहब आपका नाम तिवारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि फ्रांस में तिवारी तो नहीं बैठा ना, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ मैं। फ्रांस में संघ तो नहीं बैठा ना, संघ फ्रांस का प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर मुसलमान ना रहें, और अगर माने तो यहाँ के देश के हिसाब से चलें। जर्मनी का जो प्रशासन वो चाहता है यहाँ मुसलमान ना रहें, ब्रिटेन का प्रशासन चाहता है यहाँ पर मुसलमान ना रहें। दुनिया के गैर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो अपने देश में इस्लामिक लोगों को नहीं रहने देना चाहते हैं, वहां भी संघ बैठा हुआ है क्या? इनकी प्रकृति ये है, इनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि कोई भी देश इनको रहने नहीं देता। आज तौकीर रजा ने जिस प्रकार की बातें अजगर साहब इसका जवाब आप ही दीजिएगा फैलाने वाली है, वो बातें वो देश में घृणा फैलाने वाली है। ऐसे व्यक्ति को जो घृणा फैलाने की बात कर रहा है वो संघ की बात कर रहा है। चरखी दादरी में एक वायुयान गिरा था, सारे के सारे मुसलमान थे, मारे गए थे, देश भर के उनके परिजन चरखी दादरी में आए थे, उनके परिजनों को संघ ने अपने घर में रखा था। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो संघ के लोगों ने ये नहीं देखा कौन है वो,
लोगों की सेवा सुरक्षा की, घर छोड़ करके अपना सामान लेकर के, अपना धन लेकर के, राशन लेकर के सबके पास पहुंचे, वो संघ है। आज भी जहां आपदा आती है वहां संघ दिखाई पड़ता है। अच्छा। अभी एक कथा में भगदड़ हुई थी, आपको ध्यान में है कि वहां सारा संघ के लोग दिखाई पड़ रहे थे, परिषद के लोग दिखाई पड़ रहे थे। ये संघ का काम करता है, ऐसे संघ के लिए तौकीर रजा जैसे लोग जो बात करते हैं तो मैं उनको लोकप्रिय की बात करता हूं। असगर असगर खान साहब प्लीज अब अपनी बात रख लीजिए, असगर साहब जिनकी बात पर और सब लोग प्लीज शांत रहिएगा, असगर साहब को अपनी बात रखने दीजिए वरना उनकी शिकायत रह जाएगी। हाँ जी, तिवारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी हर बात की कदर करता हूँ, लेकिन जहां तक कोरोना की बात कही, चरखी दादरी की बात कही, मैं भी उसका एक विटनेस हूं कि वहां पे लोगों की मदद करने शायद तिवारी साहब भी गए होंगे, हम सभी लोग गए और लोगों की मदद, और किसी ने ये नहीं कहा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। हाँ। एक एक आदमी उसमें गम में डूबा था और एक एक आदमी लोगों की मदद कर रहा था, किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं। ये तो इनकी सोच है जो बात कही। जहां तक कोरोना की बात है, आपने तो तमाम जमातों को जेल में कि जी ये कोरोना फैला रहा है अभी कहा ना आप, ये तो कहिए कि वो अपने, तो आप कह दिए तिवारी जी अपने अल्फाज वापिस ले। अब अगर मैं अब अगर हम इस बात पे भी आ जाए कि भाई देखिए मेरे पास 50 सेकंड है, अपनी बात पूरी कर लीजिए, और मेरा यही मुद्दा था कि बिना सबूत के अगर आप आरोप लगा रहे तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? बायस्ड वकील है ना, ये भी बायस्ड वकील है। अरे भाई फिर मुझे यही बात कहना पड़ती है कि अभी हाथरस, अरे सुन लीजिए साहब, अभी हाथरस की बात कही, वहां पे आपकी सरकार ने, आपके सीएम ने कहा कि इसमें साजिश नजर आ रही है, ऐसी बात करनी चाहिए बामुकाबले इसके कि उस पंडित की इंक्वायरी कराते जो 28 साल पहले रेप के केस में जेल फिर मुद्दा भटका रहे हैं। आप जो वकालत अपनी बात कर रहे हैं ना, ये आप कोर्ट में रखिएगा, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई करवाइए, लेकिन बिना सबूत के नफरत मत फैलाइए। हम सब लोग एक साथ रहना जानते हैं, लेकिन आप लोग नफरत मत फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।